पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ट्रेनिंग करते हुए ऐश का ग्रिंजा गायब हो जाता है, जो कि उनको एक फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, जहां पर काफी सारे नॉर्डन पोकेमोन्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो उन सारे पोकेमोन्स को डिफीट करता है। तभी एक ट्रेनर जो कि पॉल था, वो ग्रिंजा के ऊपर एक पोकेबॉल फेंककर उसको पकड़ने का ट्राई करता है, जिसके बाद ग्रिंजा उसको एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। ये 3-1 की बैटल थी, जहां पर ग्रिंजा चैंपियन और मेडाग्रॉस को डिफीट कर देता है। अब पॉल का थर्ड पोकेमोन इलेक्टिवायर था। अब आगे इलेक्टिवायर के सामने ऐश ने हमेशा से ही स्ट्रगल किया था, उसने ऐश को काफी बार डिफीट किया है, और यहाँ पर ग्रिंजा इलेक्टिवायर से वीक भी था, बट उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है। क्या ग्रिंजा इलेक्टिवायर को डिफीट कर पाएगा? पॉल बोलता है कि ऐश ये तुम्हारा असली टेस्ट होने वाला है, अभी तक तो मैं सिर्फ वीक पोकेमोन्स को भेज रहा था। ऐश बोलता है इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स से ग्रिंजा ने बैटल कर रखी है और उनको डिफीट किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। पॉल बोलता है देखते हैं, और बैटल स्टार्ट होती है। इलेक्टिवायर स्टार्ट करता है थंडर बोल्ट अटैक के साथ, जिसको ग्रिंजा डबल टीम का यूज करके डॉज कर लेता है, जिसके बाद ऐश अपने ग्रिंजा को वाटर पल्स अटैक यूज करने बोलता है। ग्रिंजा के सारे कॉपीज वाटर पल्स बनाते हैं और सारे अटैक इलेक्टिवायर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी पॉल का इलेक्टिवायर प्रोटेक्ट अटैक यूज कर लेता है, जिससे उसके ऊपर कोई भी वाटर पल्स नहीं लगता है, जबकि पॉल ने उसको ऑर्डर भी नहीं दिया था। पॉल बोलता है मैंने कहा था ऐश ये बाकी पोकेमोन से अलग है, और तू मेरे पहले वाले इलेक्टिवायर के सामने स्ट्रगल करते थे, अब तो ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इलेक्टिवायर थंडर पंच का यूज करो। वहीं पर ऐश भी अपने ग्रिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट क्योंकि थंडर पंच ग्रिंजा के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, जिसके चलते उसको डैमेज पड़ता है। अब पॉल अपने इलेक्टिवायर को ब्रिक ब्रेक अटैक यूज करने बोलता है। जैसे ही इलेक्टिवायर ग्रिंजा के पास आता है, ग्रिंजा वाटर पल्स का यूज कर देता है, जिससे इलेक्टिवायर को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। पॉल अपने इलेक्टिवायर को थंडर पंच यूज करने बोलता है, बट वो ग्रिंजा के ऊपर अटैक करने के बजाय खुद के ऊपर ही अटैक करता है और खुद को ही डैमेज कर देता है। पॉल को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ब्रॉक बोलता है कि वाटर पल्स ऐश के लिए काफी अच्छा मूव हो सकता है बैटल में, क्योंकि इससे अपोनेंट पोकेमोन को डैमेज तो पड़ता है, बट इसके भी चांसेस होते हैं कि वो अपोनेंट पोकेमोन को कंफ्यूज कर दे, जो कि ऐश को बैटल्स में काफी ज्यादा एडवांटेज दे सकता है। अब पॉल का इलेक्टिवायर कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और पॉल उसको थंडर यूज करने बोलता है। ग्रिंजा इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट उसके ऊपर थंडर लग जाता है और वो इस पूरे अटैक को सह लेता है। पॉल ये देखकर काफी शॉक रह जाता है कि ग्रिंजा ने कितने स्ट्रांग सुपर इफेक्टिव अटैक को पूरी तरह से सह लिया है। पॉल बोलता है मानना पड़ेगा तुम्हारे ग्रिंजा काफी ज्यादा स्पेशल है, इसमें काफी सारी यूनिक चीजें हैं। अब ग्रिंजा नॉक ऑफ का यूज करता है, पर दोबारा से इलेक्टिवायर प्रोटेक्ट अटैक का यूज करता है, जिससे उसके ऊपर इस अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता और वो यूज करता है थंडर का। इस बार ग्रिंजा अपने शुरिकेन का यूज करके आसमान में चले जाता है और फ्लाई करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। पॉल ये देखकर शॉक रह जाता है और बोलता है एक और यूनिक चीज, तुम्हारा ग्रिंजा सच में काफी स्पेशल है। अब ऐश अपने ग्रिंजा को बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। अब ऐश अपने ग्रिंजा को बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। पॉल अपने इलेक्टिवायर को प्रोटेक्ट अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ग्रिंजा जायंट वाटर शुरिकेन यूज कर देता है। यह अटैक इलेक्टिवायर के शील्ड पे लगता है, बट इस अटैक को प्रोटेक्ट रोक नहीं पाता है। ये काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि शील्ड को तोड़ते हुए इलेक्टिवायर पे लग जाता है और इलेक्टिवायर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है और दोबारा उठने की कोशिश करता है, इतने में ही ग्रिंजा डबल टीम का यूज करता है और ऐश अपने ग्रिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है। ग्रिंजा और उसकी सारी फेक कॉपीज हाइड्रो पंप यूज कर देती है और सारे हाइड्रो पंप जाकर इलेक्टिवायर पे लगते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। और फाइनली पॉल का सबसे स्ट्रॉन्ग और एस पोकेमोन इलेक्टिवायर हार जाता है। पॉल ऐश के पास आता है, वो उससे हाथ मिलाता है और बोलता है कि पिछले बार इन्फर्नेप और इस बार ग्रिंजा तुम्हारे पास हमेशा से ही काफी स्पेशल और स्ट्रॉन्ग पोकेमोन रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे ट्रेनिंग में ही कुछ स्पेशल है, जिससे तुम्हारे सारे पोकेमोन नॉर्मल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐश बोलता है ऐसा हो सकता है, बट मेरा ग्रिंजा शुरुआत से ही काफी ज्यादा यूनिक और अलग है, क्योंकि वो हमेशा ट्रेनिंग करके सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। पॉल बोलता है कि हाँ मैंने नोटिस किया, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेफिनेटली किसी लेजेंडरी पोकेमोन तक को भी हराने की पावर रखता है। इलेक्टिवायर भी उठ जाता है और वो ग्रिंजा से आकर हाथ मिलाता है। पॉल बोलता है कि इससे पहले मुझे सबसे टफ अपोनेंट सिंथिया लगती थी, बट तुमसे लगातार फोर्थ बार हारने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मेरे सबसे ज्यादा टफ अपोनेंट हो। ऐश बोलता है थैंक यू, हम दोबारा बैटल जरूर करेंगे और उस बार वो बैटल 1-6 की होगी। पॉल बोलता है कि डेफिनेटली मैं उस टाइम का वेट करूंगा और भी ज्यादा ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बनूंगा। फिलहाल के लिए मैं कुछ और वाइल्ड पोकेमोन कैच करने जा रहा हूँ, जिनको मैं आगे अगले पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप के जिम बैटल्स में यूज कर सकूंगा। ऐश बोलता है ठीक है मैं भी चलता हूँ, 2 दिन बाद पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने वाली है। पॉल वहाँ से चले जाता है। ऐश ग्रिंजा को बोलता है कि तुम तो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुमने काफी सारी नई चीजें सीखी है, नॉर्डन रीजन के वाइल्ड पोकेमोन्स को तुमने काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया और पॉल के भी 3 पोकेमोन्स को तुमने अकेले डिफीट कर दिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, तुम्हारी अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है। ग्रिंजा बोलता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ट्रेनिंग करके। पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप के टॉप 8 स्टार्ट होने में अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं और जब तक मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना चाहता
चाहता हूँ जिससे मैं अपने आप को पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में प्रूफ कर पाऊँ। ऐश बोलता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग कर सकते हो, मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने वापस आऊंगा। ये बोलकर ऐश और उसके फ्रेंड्स उस फॉरेस्ट से चले जाते हैं। बट वहाँ से आने के बाद भी ऐश गुंजा के बारे में ही सोच रहा था कि वो वाइल्ड में अकेले कैसे रहेगा और कैसे ट्रेनिंग करता होगा, वहाँ पर काफी सारे खतरनाक नॉर्ड एंड पोकेमोन्स हैं। बट फिर ऐश को गुंजा की बैक स्टोरी याद आती है जहाँ पर वो एक फ्रोकी के फॉर्म में अपने ग्रुप से काफी ज्यादा डिफरेंट था। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और अकेले ट्रेनिंग करता था। उसने काफी सारे ट्रेनर्स को रिजेक्ट भी कर दिया था क्योंकि वो ट्रेनर्स फ्रोकी को अपने लेवल के नहीं लगे, डेफिनेटली वो अकेले उस फॉरेस्ट में सर्वाइव कर लेगा। ऐसे ही करके वो दिन आ जाता है जब पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप का टॉप 8 स्टार्ट होने वाला था। कुछ ही घंटों में ऐश को स्टेडियम में पहुंचना था बट अभी तक ग्रिंजा वापस नहीं आया था ऐश के पास। वहीं पर ऐश को ग्रिंजा की काफी ज्यादा जरूरत थी, उसको अपने ग्रिंजा को 6 पोकेमोन टीम में यूज करना था, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ऐश जल्दी से अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और उस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। बिना ब्रॉक मिस्टी और सेलिना को बताए उस फॉरेस्ट में ढूंढने के बाद ऐश को कोई भी कनेक्शन फील नहीं होता। ऐश काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसको कोई कनेक्शन या फिर ग्रिंजा कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। ऐश को लगता है कि शायद कुछ वाइल्ड नॉर्ड एंड पोकेमोन्स ने ग्रिंजा के साथ बैटल करके उसको वीक कर दिया है, जिसके चलते ऐश कनेक्शन फील नहीं कर पा रहा था। फिर भी ऐश हार नहीं मानता और वो ग्रिंजा को ढूंढते रहता है। ऐसे ही करते करते काफी टाइम बीत जाता है। अब पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप के टॉप 8 स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा था और उसको टाइम पे स्टेडियम पे पहुंचना था, बट अभी भी वो फॉरेस्ट के अंदर ही था। ब्रॉक मिस्टी और सेलिना सब ऐश को ढूंढ रहे थे, उनको पता था कि आधे घंटे में बैटल स्टार्ट होने वाली है और ऐश को वहां पर पहुंचना होगा वरना उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उनको ऐश कहीं पर भी नहीं दिख रहा था, वहीं पर ऐश अपने ग्रिंजा को ढूंढ रहा था। काफी ढूंढने के बाद भी किसी को भी ऐश देखने को नहीं मिलता। तभी सेलिना को याद आता है कि उसका ग्रिंजा आज वापस आने वाला था ट्रेनिंग करके, तो हो सकता है कि ऐश अपने ग्रिंजा को फॉरेस्ट में लेने गया हो। ब्रॉक बोलता है कि तुमने सही कहा। ऐश के सारे फ्रेंड्स उस फॉरेस्ट में आ जाते हैं जहां पर वो ऐश को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको ऐश कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा था। सारे लोग अपने सारे पोकेमोन्स को भेज देते हैं ऐश को ढूंढने के लिए। कुछ टाइम बाद ब्रॉक का क्रोबैट ब्रॉक के पास आता है और वो उनको कहीं पर तो लेके जा रहा था। सब उसको फॉलो करते हैं और वो क्रोबैट ऐश के पास सबको लेकर आ जाता है। ऐश अपने ग्रिंजा के पास था, यानी कि उसको ग्रिंजा मिल गया था। ब्रॉक मिस्टी और सेलिना सब ऐश के पास जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि ग्रिंजा काफी ज्यादा वीक हो चुका है। ब्रॉक बोलता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी है टॉप 8 स्टार्ट होने में, तुम्हें जल्दी करना होगा। ऐश अपने ग्रिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है। सब जल्दी से पोकेमोन सेंटर पहुंच जाते हैं जहां पर ऐश अपने ग्रिंजा को हील कराता है।